गुजारिश करूंगा उबैदा फैज साहिबा से, प्लीज तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, माशाल्लाह मेरा किसी किस्म का कोई वो नहीं है, इतना कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सवाल करने की आदत है, इसलिए फ़ारूक सहेल साहब ने मुझे बुला लिया। मैं सिर्फ कुछ सवालात हैं, मेरे ख्याल में वो मेरा बुनियादी हक भी हैं जिनको मैं करना चाहती हूँ। कि सबसे पहले ये तो हम मैरिट सिस्टम पर क्यों नहीं आते हैं? जब हम एक ऑफिस बॉय को भी मैरिट पर हायर करते हैं तो हमारे जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये मैरिट पर क्यों नहीं है? इनके लिए हमने अभी तक कोई क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाया? इनके लिए हम चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखते हैं और हम इनकी एवेल्युएशन क्यों नहीं करते हैं? एक तो ये हमारा बुनियादी हक है जो हमें मिलना चाहिए। दूसरा मैं कहती हूँ कि हमने ये नहीं पूछना कि किस लीडर ने क्या कर दिया और कौन क्या करना चाहता है। मैंने ये पूछना है जो मेरा बुनियादी हक है कि कौन क्या करेगा और कैसे करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स क्या हैं। अब हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स जो हैं उनकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि यूथ को उनका हक मिले। अब रिवर्स मेंटोरिंग की ज़रूरत है, मेरे ख्याल में हमें रिवर्स मेंटोरिंग पर आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करती हूँ, मैं ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। आप ह्यूमन को एम्पावर कर दें, वीमेन खुद एम्पावर हो जाएंगी, सिंपल इज दैट। दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ वो ये कि एग्रीकल्चर लैंड को रियल इस्टेट लैंड में किसने तब्दील किया, क्यों तब्दील किया जा रहा है और इसके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला क्यों नहीं है? हम खुद अपने मतलब जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हम उनको खुद अपने हाथों से क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम लोग सवाल करना सीखें और उस वक्त तक सवाल उठाना सीखें जब तक हमें उनकी हमें उनका आंसर नहीं मिल जाता, हमें उनका जवाब नहीं मिल जाता। क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि मैं टैक्स भी दूंगी और मैं जूते भी खाऊंगी और कहूंगी कि जनाब वहाँ पर आप हर कार्य बढ़ा दें, जूते खाने में ताकि टाइम ज़रा थोड़ा सा कम लगे। सो प्लीज़ आंसर सवाल करना सीखें और उसका जवाब जब तक ना मिले सवाल उठाना भी सीखें और उठाते जाइए। और फारूक साहब एक मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ये जो फाख्ता है ना इसको प्लीज़ अब ज़रा शाहीन में तब्दील कर लें, ऐसी कितनी फाख्ताएँ आई हैं और करगसों का शिकार होकर चली गई हैं। सो प्लीज़ ये थोड़ा सा देखें, थैंक यू सो मच।